भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से बहुत खुश है। उन्होंने कहा कि इसरो का उद्देश्य है कि अंतरिक्ष में विस्तार कर देश को प्रगति की राह पर ले जाए। अब भारत अधिक अंतरगणीय मिशन शुरू करने में सक्षम है। इसरो चीफ शनिवार को तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की। सोमनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरिक्ष में विस्तार के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण है। इसरो अब पीएम मोदी के दृष्टिकोण को लागू करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सभी 100% खड़ा उतरा। पूरे देश को इस पर गर्व है। देशवासी हमें समर्थन दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो और उनके सभी सहयोगी इस ऐतिहासिक मिशन का हिस्सा बनकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सोमनाथ ने आगे कहा कि अब हम चांद, मंगल सहित शुक्र पर अधिक यात्रा करने के लिए सक्षम हैं। इसके लिए हमें अधिक आत्मविश्वास और अधिक निवेश की आवश्यकता है। इसरो का उद्देश्य है कि हम अंतरिक्ष क्षेत्र में विस्तार करें और भारत को प्रगति की राह पर आगे बढ़ाएं। इसरो अध्यक्ष ने कहा कि टीम चांद की अच्छी छवियों का इंतजार कर रही है। फिलहाल हम चंद्रमा के वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आपको बता दें कि आदित्य L1 के सवाल पर उन्होंने कहा कि उपग्रह तैयार है और वह श्री हरिकोटा पहुंच चुका है। उम्मीद है कि सितंबर के पहले सप्ताह में इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। हालांकि एक दो दिन में लॉन्चिंग के अंतिम तारीख की घोषणा की जाएगी। उन्होंने बताया कि लॉन्चिंग के बाद लैंग्वेज पॉइंट 1 तक पहुँचने में आदित्य L1 को 125 दिन लगेंगे। हमें 125 दिनों का अब इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि एलियन को लेकर कई बातें सामने आई थी। दुनिया के दो सबसे मशहूर अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन दोनों ने कथित तौर पर दावा किया कि चंद्रमा की ओर जाते समय उन्होंने एक UFO देखा था। वहीं उस UFO ने उनका पीछा किया। अपोलो 11 मिशन के नायक दोनों ने अतीत में अज्ञात वस्तुओं पर चर्चा की थी जो उन्होंने चंद्रमा के रास्ते में अंतरिक्ष के माध्यम से अपनी यात्रा के दौरान रखी थी। बता दें कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 20 जुलाई 1969 को इतिहास रच दिया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अपोलो मून मिशन के तहत पहली बार इंसान ने चांद पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग पहले अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। इसके बाद अमेरिका ने चांद पर 5 अभियान भेजे थे। इसके बाद अभी तक कोई भी इंसान चांद की जमीन पर कदम नहीं रखा। इस बात ने कई वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस बीच अपोलो 11 मिशन यानी चंद्रमा पर सबसे पहले इंसानों के पहुंचने की रिकॉर्डिंग गायब हो गई। इस रील्स में चांद पर घूमने तक से लेकर वापस आने और चांद की वीडियो थे। रॉ टेप्स गायब होने के बाद एलियन की थ्योरी सामने आई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।